बात यह कि जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, पिछली बार जो 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर से रह गए, उन बच्चों को खुद को पता है कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर रहा। मुझे तो नहीं पता आपके बारे। परीक्षा में किस्मत कैसे काम करती है, जैसे ये सिलेबस जो है ना बहुत बड़ा है, राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा सिलेबस है। बड़ा सिलेबस सबके लिए बड़ा नहीं, बड़ा तो उसके लिए जो अभी नया बड़ा है उसके लिए ही बड़ा है, जो पहले से ही बड़ा हुआ उसके लिए कहां बड़ा है। कैसे, जैसे पिछली बार मान लो किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया और उसको राजस्थान हिस्ट्री आती है, तो भाई उसका एक पार्ट कम हो गया, उसके लिए बड़ा नहीं है। किसी बच्चे को कि मुझे कल्चर बहुत अच्छी आती है, तो उसको सिर्फ कल्चर रिपीट मारनी, उसको रट्टा नहीं मारना, उसका पार्ट कम हो गया। कोई बच्चा मान लो मैथ से है, उसकी रीजनिंग आती है, उसके लिए ये सिलेबस छोटा हो गया। किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है, उसके लिए सिलेबस छोटा हो गया। बड़ा तो नए वाले के लिए ना, पुराने वाले के लिए कहां, नए वाले के लिए बड़ा है, पुराने वाले के लिए कहां बड़ा है। पुराने जो भी स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी के एजेटीज लगे रहो, नया कुछ लाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा करंट की बुक लेके आनी है, क्योंकि करंट बदला है, बाकी तो सब वही रहेगा। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी पहले थे, आज भी उदय सिंह जी, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उदय सिंह ही रहेंगे, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। पुरानी किताबें उनको रट्टा लगा दो। नए बच्चे हैं तो नए बच्चे, क्योंकि मेन पार्ट जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, इसके लिए स्पेशल अच्छी बुक लेके आओ। गाइड आप ला सकते हो, गाइड तो एक लेके आओगे, नए बच्चे जो है अभी 12वीं की उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छा लगेगा। आप रीजनिंग की स्पेशल और कंप्यूटर की स्पेशल लेके आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। बुक किसी की ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी की भी बुक ले आओ, आपकी मर्जी, लेकिन ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अब जो अभी पिछली बार जिन्होंने तैयारी की और उनका जैसे कंप्यूटर कमजोर रहा, उस बच्चे को पता है कि मेरा कमजोर पक्ष कंप्यूटर था, तो मैं अब कंप्यूटर पे ही ध्यान, जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ दोगे वो आपका कमजोर हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ोगे ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो जाएगी, बस यही खेल है पढ़ाई का। इसलिए नए बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है, पुराने वाले बच्चे एज इट इज अपने नोट्सों को उनको पढ़ते रहो, क्योंकि पिछली बार आप 1-2 नंबर से रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी अच्छी तैयारी है। जो पार्ट आपका कमजोर है, अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, रीजनिंग अभ्यास अब भी मांगती है, भले आपकी पिछली बार 30 में से 29% सही हुए होंगे, लेकिन रीजनिंग का अभ्यास आपको फिर भी करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। कंप्यूटर आपका कमजोर रहा तो आप कंप्यूटर पढ़ो ना। अच्छा, जो पार्ट आपका कमजोर है, आपकी हिस्ट्री पिछली बार कमजोरी, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। करंट की वजह से अगर आप फेल हुए तो करंट के अंदर ध्यान दो आप, तो यही रहेगा इसके अंदर। ज्यादा चिंता करनी, नए बच्चों को सब कुछ पढ़ना है, पुराने बच्चों को पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो पोर्शन ज्यादा पढ़ना है जिसकी वजह से आप पिछली बार रहे थे, वो गलती अब की बार आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा डेड जीके है भाई, इसके लिए आप इंडिया जीके की कोई एक बुक ले आओ। करंट के लिए आप हर माह की आती है अभी ले आओ, आप पीछे की 1 साल की कोई बुक आती है या हर माह की आती है वो करके आप करंट की ले आओ, तो सारी बुक आपकी हो जाएगी। बाकी राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्पेशल बुक लेके आओ, अच्छी तरीके से उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि वैसे लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, वैसे बहुत